हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। क्लास टेंथ के बायोलॉजी में हम लोग लाइफ प्रोसेस में चैप्टर कर रहे थे एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है मनुष्य के शरीर के अंदर, वो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। हमारा किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या है, किडनी है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप लोग जानते हैं कि हमारा क्या है, किडनी है। कुछ एक कारणों से, जैसे कि चीनी जो बीमारी, डायबिटीज होती है, मधुमेह जिसको कहते हैं, या कुछ अन्य बीमारियां होती हैं जिस कारण से अगर हमारा किडनी प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि प्रॉपर यह वर्क नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब क्या होगा उस कंडीशन में कि हमारा ब्लड को कौन प्यूरीफाई करेगा। किडनी का काम है हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करना, और उससे जो विषैले पदार्थ हैं उनको क्या करना, बाहर निकालना। क्या करना, विषैले पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालना। लेकिन अगर हमारा किडनी ही खराब हो जाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो उन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर कौन निकालेगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक डायलिसिस मशीन बनाया गया। क्या बनाया गया, डायलिसिस मशीन बनाया गया, मशीन जिसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये मशीन कैसा होता है हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस मशीन का, इसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं पूरे ब्लड को क्या होने में, प्यूरीफाई होने में। अब ये प्रोसेस क्या होता है उसको समझते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब क्या हुआ, ये हमने बनाया है एक मानव का हैंड। इस मानव के हैंड में हमने 2 नलियां बनाई हुई है, एक बनाई हुई है रेड कलर से, एक बनाया हुआ है ब्लू कलर से। ये इसलिए बनाया हुआ है कि आप आसानी से समझ जाएं कि रेड वाला क्या है, आर्टरीज है, और ब्लू वाला क्या है, वेंस है। ठीक है, रेड वाला क्या है, आर्टरीज है, और ब्लू वाला क्या है, वेंस है। आर्टरीज से क्या होता है कि ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। अब क्या हुआ कि जब किडनी नहीं है तो ये क्या है, मशीन है हमारा, डायलिसिस मशीन। ये जो इतना दूर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, डायलिसिस मशीन है। ठीक है, ये क्या है, डायलिसिस मशीन है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे हैंड से, यानी कि हाथों से ब्लड को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ब्लड को निकालने के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है, उस ब्लड के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। कितना होना चाहिए, ब्लड का टेम्परेचर जो है वह कितना कर दिया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। अब इस ब्लड, ये ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, तो इस रास्ते से, देखिए रास्ता आपको रेड कलर से दिखाया गया है, इस रास्ते से कहाँ जाएगा, इस पंप से होते हुए, ये क्या है, ये एक पंप है, इस पंप से होते हुए चला जाएगा ये डायलिसिस सॉल्यूशन में। किसमें चला जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन में। बहुत जगह पे डायलाइजर फ्लूइड भी लिखा होता है, ये क्या लिखा होता है, डायलाइजर फ्लूइड भी बहुत जगह पे लिखा होता है, डायलाइजर फ्लूइड। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में हर एक चीज़ प्रेजेंट है एक्सेप्ट किसके, यूरिया के अलावा। यूरिया डजंट प्रेजेंट, डजंट प्रेजेंट, क्या है, यूरिया प्रेजेंट नहीं है। बाकी इसमें प्लाज्मा, और प्लाज्मा में रहने वाले जितने भी हमारे सब्सटेंस यानी कि पदार्थ हैं, सारे प्रेजेंट है। प्रोटीन हो, जो भी हो, हर एक चीज़ मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें मौजूद होता है, तो वो सारे चीज़ क्या हैं कि इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट किसके, यूरिया के। यूरिया हमारा प्रेजेंट नहीं है। और हमारे शरीर से जिस पदार्थ को बाहर निकलना है, विषैला पदार्थ, वो है क्या, यूरिया है। अब क्या हुआ कि किडनी उसी यूरिया को क्या करता है, छान लेता है। किडनी क्या करता है, उस यूरिया को छानने का काम करता है। तो अब क्या होगा कि ये जो पंप लगा हुआ होता है, यहाँ पे क्या काम होता है कि यहाँ पे डिफ्यूज़न का काम होता है। क्या काम होता है, डिफ्यूज़न का काम होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है उसको समझते हैं। डिफ्यूज़न मान लीजिए कि ये हमारा एक, और ये बीच में क्या है, दीवार है।
दीवार, इसको कहेंगे मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे हम लोग? मेम्ब्रेन कहेंगे। ये अब मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड है जो हमारे बॉडी में है। क्या है? ब्लड है। और ये ब्लड के अंदर क्या है? यूरिया है। ब्लड के अंदर क्या है? यूरिया है। अब ये क्या है? 100% यूरिया है ब्लड के अंदर। कितना यूरिया है? 100% यूरिया है। अब क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये अपने अंदर से ये लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ को दूसरे साइड जाने के लिए देता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करता है कि इस 100% यूरिया में से 50% को क्या कर देता है? इधर कर देता है। कितना कर देता है? 50% को क्या किया? इधर कर दिया। तो 50% इसमें चला आया और 50% किसमें बच गया? इसमें बच गया। यानी कि दोनों में जब बराबर हो जाता है, इसमें ज़्यादा था, इसमें कम था, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूड था, जब दोनों में बराबर हो गया तब ये क्या होता है? डिफ्यूज़न प्रोसेस में यही होता है कि दोनों साइड्स में क्या हो जाना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि ब्लड से सारा यूरिया बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ यूरिया ब्लड के अंदर भी होता है। तो 50% और 50% हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो मशीन जुड़ा हुआ है, इस मशीन में यहाँ पे क्या नहीं है? यूरिया नहीं है। जब यूरिया नहीं है तो ब्लड जब इस रास्ते से आएगा, ब्लड जब इस रास्ते से आएगा तो उसमें क्या होगा? यूरिया होगा। वो यूरिया क्या होगा कि इसमें चला आएगा, वो यूरिया क्या होगा? इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, इसमें चला आएगा। अब यूरिया कहाँ आ गया? इस सॉल्यूशन में आ गया। अब ये सॉल्यूशन जो हुआ यूरिया के साथ मिक्स हो गया, सारा का सारा क्या हो गया? यूरिया के साथ मिक्स हो गया। यानी कि अब ब्लड से यूरिया निकल कर हमारा कहाँ चलाया? इसमें चलाया। इसमें बिल्कुल भी यूरिया नहीं था तो सारा यूरिया कहाँ चलाया? यहाँ पर चलाया। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे हमने बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन मतलब सारा कुछ जो है वो अब छन चुका है, जो किडनी वर्क करता था वो वर्क हो चुका है और सारा कुछ क्या हो चुका है? छन चुका है। और छन के कहाँ आ गया? इस डायलिसिस सॉल्यूशन में या डायलाइजर फ्लूइड में आ गया। अब इससे क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये प्यूरीफाई होके कहाँ जाएगा? यानी कि रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी ज़रूरी पदार्थ होते हैं वो फिर क्या किया जाता है? ब्लड क्या करता है? वो रीअब्जॉर्ब, यानी कि किडनी जब छानता है हमारा, वुमेन सैम्पुट ग्लैमुलरस जब छानता है तो उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसे मैंने बताया है। तो उसी तरह से रीअब्जॉर्प्शन आया और जो फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन था जिसे हमारी ज़रूरत थी, जो फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन था जिस सॉल्यूशन की हमारी ज़रूरत थी, इसमें कुछ हद तक यूरिया भी मिला होगा प्लस प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर रहने वाले सारे जो हैं एलिमेंट बोलिए या जो पदार्थ हैं वो क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है। अब ये फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन क्या होगा कि इधर से कहाँ चला जाएगा? वेन में चला जाएगा और वेन से हमारे बॉडी में चला जाएगा। और अब यहाँ पे एक काम और होगा कि जो टेम्परेचर हमारा ब्लड का 0°C हो गया था उसे अब क्या कर दिया जाएगा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। बॉडी टेम्परेचर यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से इस ब्लड को क्या किया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे भी एक मशीन लगी होती है, ठीक है, वो क्या करता है? पंप टाइप का ही होता है। वो क्या करता है कि इसे कन्वर्ट कर देता है बॉडी टेम्परेचर पे, और यह इस रास्ते से कहाँ चला जाता है? वेंस में चला जाता है, और वेंस से क्या होता है? पूरे बॉडी में चला जाता है। तो जो काम हमारे शरीर में किडनी कर रही थी यानी कि वृक्क हमारा कर रहा था, वो काम क्या किया? इस मशीन ने किया। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। आर्टरी धमनी से ब्लड आया, ब्लड को क्या किया? लिया गया इस मशीन में नली के थ्रू। ये नली लगाया गया आर्टरीज में, जिससे आ गया इसके थ्रू ये मशीन में आ गया। यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ और सारा यूरिया कहाँ आ गया? इस सॉल्यूशन में आ गया, जहाँ पहले से डायलिसिस सॉल्यूशन मौजूद था, प्लाज्मा वगैरह सारे इसमें प्रेजेंट थे। तो सब प्रोसेस किस प्रोसेस से हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस से हुआ। उसके बाद क्या किया गया कि इससे जो ये इस डायलिसिस सॉल्यूशन से रीअब्जॉर्प्शन हुआ और फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन कहाँ आया? यहाँ आया।
रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हुआ और फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन इसमें आया। अब ये फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन कहाँ चला गया, वेंस के थ्रू फिर हमारे बॉडी में चला गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। 5 से 6 घंटे ये पूरे प्रोसेस में लगता है। 25 से 30 ग्राम पर डे जो है इसमें क्या करता है, आपको पता है कि यूरिया क्या होता है, हमारा बाहर निकलता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया हमारा बाहर निकलता है। तो हमने ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ लिया के बारे में पढ़ लिया था, आज हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। देखिए प्लांट में जो हम एक्सक्रीशन करेंगे यानी कि उत्सर्जन करेंगे अपशिष्ट पदार्थों का यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस का जब हम एक्सक्रीशन करेंगे, तो जिस तरह से मनुष्य में एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है कि अंग होता है, जानवरों में एनिमल्स में क्या होता है एक पार्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसके द्वारा एक्सक्रीशन प्रोसेस किया जाता है, ऐसा कुछ प्लांट में नहीं होता है और ना ही जलीय पौधों में होता है, प्लांट्स के अंदर ही वो आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। किससे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। उम्मीद है कि डिफ्यूजन प्रोसेस आपको एक बार और समझा देना चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई पेड़ पौधा है या हमारा शरीर है, कुछ भी है, इसके एक भाग में क्या होगा कि जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो हमारा हार्मफुल सब्सटेंस होगा ये एक भाग में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में होगा। किस में होगा, हाई कंसंट्रेशन में होगा। सेम यही प्रोसेस उस मशीन में भी हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन में होगा। और दूसरे पार्ट में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन में होगा, लो कंसंट्रेशन में होगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाता है, लो कंसंट्रेशन में चला जाता है। और हमारा शरीर हो, मशीन में यूज किया गया हो या पेड़ पौधों में हो, बीच में ऐसे मेम्ब्रेंस होते हैं जिसके थ्रू वो आसानी से क्या कर सकते हैं, आर पार कर सकते हैं। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन है ये कहाँ चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा। और जब दोनों तरफ एक बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद ये मूव नहीं करेगा। दोनों तरफ जब अगर ये परसेंटेज सेम हो जाएगा तो फिर ये मूव नहीं करेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो प्लांट में भी जो एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि प्लांट में क्या होता है कि पानी जो वाटर है वो बाहर निकलता है पत्ती के छिद्रों के द्वारा, रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, और साथ ही साथ CO2 गैस जो कि सबसे हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी निकलता है किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा यानी कि रंध्र के द्वारा। CO2 हो गया या वाटर हो गया किसके द्वारा निकलता है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा क्या होता है आपको पता है कि रंध्र कहते हैं इसको, पत्तियों के ऊपर जो छिद्र होते हैं। तो ये सब किस प्रोसेस से होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है आपको पता लग गया, हिंदी में इसे कहते हैं विसरण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो अब ये चीज़ जो है इसके साथ साथ कुछ और जो एक्सक्रीटिव, ये तो हमने पढ़ लिया था किसमें, रेस्पिरेशन में पढ़ लिया था। रेस्पिरेशन जो प्लांट में हो रहा था उसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। कुछ एक जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस होते हैं हमारे प्लांट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टैनिन, ठीक है ना, रेजिन, गोंद और लेटेक्स, ये जो लिखा हुआ है। अब ये क्या है, जैसे कि टैनिन है, ये टैनिन क्या होता है कि ये हर्टवुड में पाया जाता है, ठीक है। हर्टवुड यानी कि पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं आप देखते हैं जो कि मृत हो जाते हैं, क्या होते हैं बाहर से वो क्या होते हैं, मृत होते हैं, डेड छाल जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये टैनिन क्या होता है पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेजिन और गोंद की बात करें, रेजिन और गम्स की बात करें, तो ये किस में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है। रेजिन और गोंद किस में पाया जाता है, जाइलम। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम में क्या पाया जाता है, रेजिन और गोंद पाया जाता है। गोंद तो आपने देखा भी होगा कि जब पेड़ पौधों के छाल को ज़्यादा हम हटाते हैं, निकालते हैं, तो उसके अंदर जो है गम जैसा, गोंद जैसा पदार्थ पाया जाता है जो कि क्या होता है, एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है, किसका, प्लांट का होता है। लेटेक्स की बात करें तो ये भी आपने देखा होगा, ये आपको जो है मिलता होगा पीपल के वृक्ष में या कनेर के वृक्ष में, कनेर का गाछ होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें, जिसकी पत्तियों को, जब अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख लेंगे, जब उसकी पत्तियों को
तोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर से दूधिया पदार्थ निकलता है, जिसे हम कहते हैं दूध जैसा पदार्थ मिलता है, मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है ना जब हम पत्तियों को तोड़ते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। तो वो भी क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, जो कि पीपल, कनेर, बरगद इन सब जैसे वृक्षों से क्या होता है, निकलता है। पीपल, कनेर, बरगद इन सब वृक्षों से क्या निकलता है, ये पदार्थ निकलता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि पौधों में एक्सक्रीशन किस प्रोसेस द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। पौधों में एक्सक्रीशन के थ्रू निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, टैनिन होते हैं, रेजिन होते हैं, गम्स होते हैं, लेटेक्स होते हैं। टैनिन जो है वो मृत यानी कि डेड वुड यानी कि छाल में पाया जाता है, बहुत वृक्षों में ये पाया जाता है। रेजिन और गोंद जो हैं वो जाइलम में पाए जाते हैं, बबूल वगैरह के वृक्ष में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये गोंद की तरह पाए जाते हैं, आप देखते होंगे, गोंद आपने देखा होगा पेड़ में ज़रूर। और लेटेक्स जो होता है ये क्या होता है, दूधिया पदार्थ होता है। पत्तियों को तोड़ते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, दूध दिखाई देता है, दूध निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि पीपल, कनेर, बरगद इन सब वृक्षों में ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा जानने की जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। डिफ्यूजन प्रोसेस कोई खास बड़ा प्रोसेस तो है नहीं, खास ऑर्गन रहता तो हम इसको डिटेल में पढ़ते, बस कौन कौन से पदार्थ हैं इसको आप जानिए, याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से वृक्ष से कौन सा पदार्थ निकलता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर चारों ख़त्म हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया, रेस्पिरेशन ख़त्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गया, एक्सक्रीशन सिस्टम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।